मेरे पीछे है सैमसंग का सबसे थिनेस्ट 4K स्मार्ट टीवी जो कि 65 इंच के कैटेगरी में वर्ल्ड थिनेस्ट टीवी में आता है। एंड इसका होने वाला है रिव्यू, अनबॉक्स करके देखेंगे और बताऊंगा कि क्या आप सबको ये टीवी लेना चाहिए, गेमिंग के लिए कैसा है, मूवी नाइट देखने के लिए कैसा है, एंटरटेनमेंट सब कुछ बताना इन डेप्थ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमैच टेक, जहां पे हम टेक रिलेटेड ऐसी कमाल की धुआंधारी और थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव वीडियोस भी बनाते रहते हैं। सो वीडियो में आप सबका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज 99% लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, प्लीज आप सबसे कह रहा हूँ लाल वाले बटन को ना दबा के एकदम को ग्रे कर देना बस। बाकी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर जो जो लोगों को ये टीवी का रिलेटेड वीडियो पसंद आएगी ना तो प्लीज लाइक कर देना, आपके लाइक करने से वीडियो बहुत ऊपर तक जाएगी, एकदम ऊपर तक रॉकेट बन जाएगी, प्लीज आप सबसे कह रहा हूँ। बाकी सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अनबॉक्सिंग करते हैं, और सबसे पहले टेप लगाऊंगा, टेप को निकालता हूं मैं। फर्स्ट अगर मैं ऊपर में दिखाऊं तो सबसे पहले आप सबको एक यूजर मैनुअल दिखेगी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को तो स्पेशली। उसके बाद आप सबको एक रिमोट देखने को मिलता है, और रिमोट की बात करूं तो फर्स्ट लुक रिमोट के इस टाइप का लगता है, काफी क्यूट सा है, और बताऊंगा भी रिमोट का सब कुछ। बाकी बॉक्स में अगर मैं और अंदर में देखूं तो दो टीवी के स्टैंड देखने को मिलते हैं, जो कि इस पे अगर आप सबको वॉल पे नहीं लगाना है तो रख सकते हो, वॉल तो मैंने वॉल पे ही लगाना है अपने टीवी को, बट स्टैंड दे रखे हैं, क्वालिटी स्टैंड की मेटल है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। और इस बॉक्स में आप सबको एक वॉल स्टैंड भी देखने को मिलता है, जो कि इस टीवी के साथ ही आता है, परचेज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एक पावर केबल भी देखने को मिलती है, बस दैट्स इट, और कुछ ज्यादा टीवी में नहीं आता और मेन हमारा टीवी आ जाता है। तो अब सीधे चलते हैं, इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं सारी चीजें अंदर में। मेन टीवी निकालने जाऊंगा तो मेरे से खुद होगा नहीं, तो मैंने क्या किया था, सैमसंग की तरफ से इंस्टॉलेशन वाली होते हैं, बाकी चीजें आप सब वो इंस्टॉलेशन सब कुछ आप देखेंगे। सो गाइस, टीवी यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो सेटअप हो चुका है, वॉल पे लग चुका है, जो सैमसंग इंस्टॉलेशन वाले थे लगा के जा चुके हैं। और अब सबसे पहली चीज ये है कि इसमें पील डली हुई है, उसको निकालना है, देन बाकी सारी चीजें करूंगा। तो यहाँ पे साइड में पील है, उसको निकालते हैं। ओके, सो पूरी पील मैंने निकाल चुकी है, और लिटरली देख सकते हो यार, वॉल पे लगने के बाद देख रहे हो इतना बड़ा टीवी 65 इंच, बहुत सीरियसली बहुत गजब का। इस पर सारी चीजें करेंगे तो मजा आने वाला है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टीवी सेटअप करते हैं। सेटअप करने के लिए सारी चीजें मैं अभी इन प्रोग्रेस आप सबको दिखाता हूं। तो फर्स्टली यहां पे टीवी सेटअप करने को कह रहा था, और फर्स्ट चीज सेटअप करने के लिए यहां पे सेलेक्ट करना था कि क्या आप सबको फोन से सेटअप करना है या रिमोट से, तो मैंने रिमोट से चूज किया। देन उसके बाद कंट्री सेलेक्ट किया, देन उसके बाद कनेक्ट करना था अपने वाईफाई से। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप सबको एक चीज करनी है, अकाउंट बनाना है, बेसिकली साइन इन करवाना है, तो एक जीमेल आईडी से वो मैंने फटाफट कर लिया था, और बस सिंपली टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया। देन उसके बाद एक अपडेट हुआ, उसके बाद सेटअप करना था बिक्सबी वॉइस असिस्टेंट जो है वो किया, देन सिंपली जो पूरा टीवी है सैमसंग का सेटअप हो चुका है। लाइक टीवी की थिकनेस की अगर मैं बात करूं, लाइक लिटरली देख सकते हो टीवी की क्या थिकनेस रहती है, ऊपर में आप सबको दिख रहा होगा कितना स्लिम ये टीवी बना दिया। देखो एक कंपैरिजन के लिए आपसे कहता हूँ, ये आईफोन है, एंड देन फिर इसके मैं अगेंस्ट में रखता हूँ, लाइक लिटरली आप देख सकते हो बस हल्का सा ही सेंटीमीटर का फर्क होगा इन दोनों में, बाकी आपके सामने यह डिफरेंस है। और ऐसा मत सोचना कि यार यहीं पे है, पूरा टीवी यहाँ पे ऑलमोस्ट स्लिम बना दिया गया, मतलब साइड से एकदम लुक वुक पे देखोगे ना, इतनी पतली स्लिम थिनेस्ट बना दी ना, लाइक क्या ही बोलूँ, मस्त लग रहा है। और साइड वाइड एंगल से भी टीवी को देखने जाओगे तो मतलब इतना पतला भाई, क्या बनाया है टीवी को। फटाफट पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो आप सबको इस टीवी में दो यूएसबी के पोर्ट, एक लैन पोर्ट, तीन एचडीएमआई मिलता है जिसमें एक 4K सपोर्टेबल है ईएआरसी वाला, और एक केबल कनेक्टर का पोर्ट देखने को मिलता है। अब मेन चीज आती है टीवी के डिस्प्ले की। तो देखो टीवी के साइज की बात करूं, 65 इंच का
का है और ये सपोर्ट करता है अल्ट्रा एचडी, मतलब 4K पूरा क्वालिटी सपोर्ट करेगा। और पहली चीज मैं बताऊं यार, बेजल्स देखो, थ्री साइड एकदम बेजल्स खत्म है, नॉन बेजललेस टीव मैं बोलूंगा। बॉटम से हल्का सा बेजल है बट वो उतना पता नहीं चलता, और नीचे में आप सबको सैमसंग की ब्रांडिंग है क्यूट सा। बाकी कलर्स की बात करूं ओवरऑल टीवी के, तो सैमसंग के जो कलर्स है तो हल्का न्यूट्रल में जाते हैं, तो डेफिनेटली जो कलर्स मैं बोलूंगा ओवरऑल मैंने जितना चेक किया न्यूट्रल कलर देखने को मिलते हैं। खुद चेक किया था कि अगर कोई डार्कर पार्ट हो, मतलब अंधेरा वाला कोई सीन हो जैसे KGF की मूवी, तो वो भी मैंने चेक की थी, उसमें भी काफी अच्छे ब्राइट इमेज देखने को मिलते हैं, बिकॉज टीवी की ब्राइटनेस काफी तगड़ी देखने को मिलती है इसमें। व्यू एंगल भी चेक किए, कोई शिफ्टिंग नहीं होता, इधर उधर से देखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मस्त मूवी देखोगे ना इंडियन, तो यार अलग ही सीन देखने को मिलता है, बहुत बड़ा लगता है 65 इंच। सीरियसली टीवी जो है 60Hz सपोर्ट करता है, बट अगर आप सब एक्शन सीन देखोगे ना तो मेरे को काफी ज्यादा स्मूथ लगा। प्लस इसमें आप सबको 4K HDR सपोर्ट देखने को मिलता है, इसमें डायनेमिक क्रिस्टल कलर है। इतना ही नहीं, 1 बिलियन से ज्यादा कलर इस टीवी में प्रोवाइड किए हुए हैं, जो कि लिटरली इस टीवी को ना और टीवी से बहुत ज्यादा अलग बनाते हैं। और डेफिनेटली कलर्स के मामले में, शार्पनेस के मामले में, और ओवरऑल अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बताऊं, चुम्मेश्वरी, मतलब नेक्स्ट लेवल। मैंने इसमें थोड़ी बहुत गेमिंग भी ट्राई की थी यार, गेमिंग एक बड़े स्क्रीन में नेक्स्ट लेवल का मजा आता है, स्क्रीन शेयर करके या अपना लैपटॉप कनेक्ट करके कुछ भी चीजें से आप सब गेमिंग कर पाओगे। स्पीकर्स यार, मेरे को आप सबको एक बेस्ट पार्ट बतानी थी, पहले बतानी नहीं है, पहले आप स्पीकर खुद सुनो। तो देखो डॉल्बी एटमोस का इसमें सपोर्ट तो नहीं आता है, बट सीरियसली स्पीकर का जो पंच है ना, बेस का पंच है और जो क्रिस्पीनेस है वो फील होती है यार, कि एक जबरदस्त स्पीकर है इसमें। एंड फटाफट इस टीवी की यूआई की बात करूं, तो होम अगर बटन पे क्लिक करोगे तो आप सबको सारे ऐप देखने को मिलेंगे, जैसे सैमसंग टीवी प्लस का टीवी चैनल है, यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, और भी बहुत सारे जियो सावन, सोनी लिव, बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके ऐप है, और बाकी आप और भी इंस्टॉल कर सकते हो। बॉटम की तरफ अगर जाओगे तो आप सबको सारे OTT प्लेटफॉर्म के आप सबको मूवीज वहां पे शो होते हैं, और वो बहुत सारे हैं, मतलब इतनी नहीं बहुत सारे हैं, नीचे चलते जाओगे। अगर लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे टीवी की सेटिंग्स ओपन होती है, एंड रिमोट में ना आप सबको एक डायरेक्ट, अगर मान के चलो यूट्यूब चला रहे हो तो आप सबको डायरेक्ट सेटिंग को छेड़ना है, कुछ कलर चेंज करने हैं, साउंड के मोड को चेंज करना है, तो आप सब वहीं से डायरेक्टली कर सकते हो। तो रिमोट में एक शॉर्टकट बटन दे रखा है सेटिंग के लिए, उस शॉर्टकट बटन में इंस्टेंटली आप सब यहां पे स्पीकर के आउटपुट चेंज कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, पिक्चर मोड चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक में देखना है, स्टैंडर्ड में देखना है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, साउंड मोड देखने को मिलता है, वहीं से चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आप सबको पूरी सेटिंग्स अगर टीवी की जानी है तो ऑल सेटिंग्स में जाके सारी वहां पे आप सबको फीचर्स मिल जाएंगे। और अगर मैं रिमोट की बात करूं ना, रिमोट काफी ज्यादा इन हैंड और क्यूट सब ऑल ब्लैक में देखने को मिलता है, काफी मिनिमल लगा। इसमें आप सबको 4 स्पेसिफिकली हॉट कीज देखने को मिलती है, जिससे आप सब नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार और टीवी प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है, डायरेक्ट उसको क्लिक करके तो ऐप ओपन हो जाएगा। चीज है यार, नॉर्मल रिमोट में क्या होता है, वॉल्यूम बटन को ना दबाना पड़ता है, बट इसमें ना थोड़ा सा ना बटन पॉपअप होके आया हुआ है, तो ऐसा लगता है ना कि मैं हाँ वॉल्यूम को सही में ऊपर बढ़ा रहा हूँ या सही में नीचे डाउन कर रहा हूँ। बाकी रिमोट में आप सबको वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है, बिक्सबी, आप सब उससे कंट्रोल कर सकते हैं, और बेसिकली वो सारे बटन जो एक बेसिक रिमोट में होते हैं वो आप सबको अवेलेबल है। इतना ही नहीं, ये रिमोट में ना बैटरी नहीं डलती, पूछो क्यों, क्योंकि इसमें आप सबको बैक साइड में सोलर एनर्जी से रिमोट चार्ज होता है, बट उससे भी चार्ज नहीं करना है, तो टाइप सी का पोर्ट दे रखा है, बहुत सही किया है। और बैटरी अगर लो होती है तो टीवी में शो करता है कि प्लीज अपने रिमोट को चार्ज में लगाइए, तो काफी सही चीज है ये। टीवी के प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आप सबको सैमसंग का क्रिस्टल UHD प्रोसेसर मिलता है, और पर्सनली यार मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, बहुत तेज सॉफ्टवेयर है, मैंने खुद अपने फायर स्टिक अमेज़न का टीवी आता है उससे मैंने चेक किया था, मेरे पास वो भी है, मैंने चेक किया उससे 10 गुना तेज ये मेरे को सैमसंग का टीवी लगा। इसका जो प्रोसेसर, जो सॉफ्टवेयर इसमें फील्ड है ना, वो बहुत तेज वर्क करता है, सारी चीजों को इंस्टेंट ओपन कर देगा विद इन 5 सेकंड्स के अंदर, मतलब बहुत सही आप सबको यहाँ पे एक्सपीरियंस फील होगा। बाकी फटाफट अगर टीवी की मैं जल्दी के फीचर्स की बात करूं, तो पहला फीचर ये है कि टीवी को जब ऑन ऑफ करोगे ना, तो एक क्यूट सा और सेटिस्फेक्शन सा एनिमेशन देखने को मिलता है जब टीवी ऑन ऑफ करते हो। सेकंड चीज, वॉल्यूम को अप डाउन करोगे तो आप सबको एक अच्छी सी हैप्टिक सी फील होती है, टीवी स्पीकर से आती है और काफी क्यूट सा लगता है। और थर्ड चीज, मैंने खुद यहाँ पे ट्राई किया था वॉइस असिस्टेंट कैसा वर्क करता है वो देखो। टेक चैनल ऑन यूट्यूब
इस टीवी में आप सबको एक बेस्ट फीचर यह है कि इसमें आप सबको स्मार्ट थिंग का एक फीचर देखने को मिलता है, जिससे और आप और भी सैमसंग के डिवाइसेस को एक ही जगह फीड करके कनेक्ट इकोसिस्टम बना सकते हो अपनी टीवी में। इस टीवी में आप सब गूगल मीट अगर यूज करना है तो वो भी कर सकते हो, अपना वेबकैम पर्सनली लगा सकते हो, फोन को एज ए वेबकैम यूज कर सकते हो। बाकी इसके बाद आप सबको वर्क स्पेस में अपना आप सब पीसी को अगर सेटअप करना है कर सकते हो इस टीवी के साथ, मैक को सेटअप करना है, ये गैलेक्सी का फोन है तो डेक्स सैमसंग डेक्स भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। स्क्रीन कास्टिंग बहुत ईजी हो जाती है बिकॉज एयरप्ले एप्पल से भी चल जाता है और स्क्रीन कास्टिंग करनी है वो भी बहुत सिंपली हो जाएगी। सैमसंग की तरफ से यहाँ पे 80 प्लस टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं जो कि पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है। बाकी देखो कंक्लूजन की बात करूं तो यार ये टीवी आप सबको 65 इंच वाला वेरिएंट 87,000 के अराउंड में मिलेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी अगर आप सबको इसका सबसे कम वाला वेरिएंट लाइक 43 इंच का सबसे बेसिक वाला है वो आप सबको 44,000 रुपीज के अराउंड का देखने को मिलता है। और जो जो बंदे यार टीवी लवर है इंटरेस्टेड है सैमसंग का इकोसिस्टम बनाने के लिए तो डेफिनेटली डिजाइन लैंग्वेज आपके लिए बहुत अगर मायने रखता है और एक स्लिम ट्रिम टीवी चाह रहे हो जो बहुत पतला हो तो डेफिनेटली ये टीवी आप सबको कभी निराश नहीं करेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ वहीं से प्राइस एग्जैक्टली इसका मैच कर सकते हो। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज कोई भी बंदा यहां तक देखा है ना आप सबसे कह रहा हूं रिक्वेस्ट करके यार सब्सक्राइब करो आपको क्योंकि अभी चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है तो आप सबसे बोलना चाहूंगा प्लीज सब्सक्राइब करो यार ऐसी मोटिवेशन मेरे को आएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ करके जाना है। तब तक के लिए मेरी लेटेस्ट वीडियो देख लो ये रही वो। तब तक के लिए सी यू सून।